तो आइए जो हम लोग क्वेश्चन आपका, तो आइए देखिएगा, हम लोग क्वेश्चन आपका ले लिए हैं। तो वेब ऑप्टिक्स का ही सेम क्वेश्चन वेब ऑप्टिक्स का, पर एमसीक्यूएस के 3 क्वेश्चन हैं। तो आइए इसको वन बाय वन करके रीड करते हैं और ये देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है और क्या उसके कंक्लूजन निकल सकते हैं, क्या हम लोग समझ सकते हैं, कैसे क्या कंक्लूजन, ठीक है। और आप अगर पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछली वीडियो हमारी कंटिन्यू करके देख लिए, ढेर सारी वीडियो पड़ी हुई है, लगभग 700-800 वीडियो आपके लिए मैंने डाल रखा है। थोड़ी सी क्वालिटी हो सकती है अच्छी नहीं, लाइट की कमी है, तो आप उसको मैनेज करिए। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें पड़े हैं, बस उसको आप एक बार देखिए। अगर क्वालिटी अच्छी है तो उसको देख लिए, समझ में आए तो देख लिए, कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं उसकी पूरी करने की, तो आइए देखते हैं, ठीक है, क्या है क्वेश्चन। आइए हम लोग पढ़ते हैं वेब ऑप्टिक्स एमसीक्यू से, क्या है। वेब फ्रंट जनरेटेड फ्रॉम अ लाइन सोर्स इज, वेब फ्रंट क्या होगा, कैसे जनरेट होता है, लाइन सोर्स, ठीक है, मतलब लाइन सोर्स की तरीके से कैसे जनरेट हुआ। वेब फ्रंट जनरेटेड फ्रॉम अ लाइन सोर्स इज, ठीक है, वेब फ्रंट लाइन सोर्स जैसा कैसा कब जनरेट होगा, क्या रीजन होगा, कौन सा इसको जनरेट कर सकता है, सिलेंड्रिकल वेब फ्रंट, स्फेरिकल वेब फ्रंट, प्लेन वेब फ्रंट, आइदर एयर भी। ये आप पहले गेस करिए, मैंने आपको चलिए 2-3 सेकंड दिया हुआ है, आप इसको गेस करिए कौन सा ऑप्शन सही है। आप कमेंट करके तुरंत मुझको बताएंगे कि सर ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है या डी वाला सही है, मतलब सिलेंड्रिकल वेवलेंथ सही है या स्फेरिकल वेवलेंथ सही है, कब लाइन सोर्स के लिए, या तो जो है प्लेन जो है वेब फ्रंट सही है या आइदर ये ए और बी दोनों सही है। तो आपका जो ऑप्शन है क्या है आप बताइए, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। आपका ऑप्शन ए सही होता है कि आपका ये सिलेंड्रिकल वाला होगा, सिलेंड्रिकल वाला आपका क्या होगा, सिलेंड्रिकल आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जो होगा वो क्या करता है, लाइन सोर्स जैसे बिहेव करता है, आया समझ में, सिलेंड्रिकल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, गेस करिए क्या हो सकता है। बोला क्वेश्चन है फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ ए वेब फ्रंट इज, मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट सोर्स, वेब फ्रंट के बीच में क्या फेज डिफरेंस, दो पॉइंट सोर्स अगर हम लोग लेते हैं, मतलब दो सोर्स अगर प्रोड्यूस हो रही है वेब फ्रंट के लिए, तो उन दोनों के बीच में क्या फेज डिफरेंस होगा, पाई का, पाई बाई टू का, 0 डिग्री का या पाई बाई 4 का, आपको गेस करना है। मैंने आपको 2 से 3 या 4 सेकंड दिया हुआ है, आप करिए, मैं तब तक देखता हूँ क्वालिटी वीडियो की कैसी है। तो आप गेस करिएगा कि वेब फ्रंट जो है आपका फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ, दो वेब फ्रंट हैं और उन दोनों में कितने का फेज डिफरेंस हो रहा है, तो क्लियर वीडियो है, तो कितने का फेज डिफरेंस ये आपको बताना है। तो हम लोग जानते जो वेब फ्रंट होता है उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, तो अगर हम बात करें तो हमारा आंसर थर्ड वाला सही जाएगा। सही आंसर कौन सा, थर्ड है, कि अगर वेब फ्रंट है तो इसमें जो सोर्स होगा, जो भी लाइट होगा, जो भी बनेगा डिफरेंस, वो क्या होगा, 0 का फेज डिफरेंस होगा, मतलब कोई नो फेज डिफरेंस होगा, कोई फेज डिफरेंस होगा, 0 फेज डिफरेंस मतलब 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का जो ऑप्शन होगा सी वाला करेक्ट होगा। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो थोड़े से डाउट होते हैं और कभी कभी जो है आप गलती से दूसरे ऑप्शन की तरफ चले जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना, एक बार ध्यान से देखना, ठीक है। तो कौन सा, 0। अब थर्ड क्वेश्चन के लिए आपको टाइम देता हूं, आप रीड करिए और इसका जो है सही आंसर बताने का कोशिश करिएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या है, हाइगेंस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन। तो हाइगेंस की जो थ्योरी है किस किस पे एक्सप्लेनेशन पे लागू नहीं होगा, किस चीज़ को वो नहीं बता पाता या किस चीज़ को वो नहीं समझा पाता, हाइगेंस की थ्योरी कहाँ किसके लिए फेल है और किसके लिए अप्लीकेबल है, ये वो क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पहला क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, ये 3 और 4 चीज़ दिया है, तो आपको मैंने चलिए दे दिया,
आपको 5 सेकंड दे दिया, आप सोचिए किसके लिए अप्लीकेबल नहीं है, आप अपना दिमाग लगाइए, समझिए किसके लिए अप्लीकेबल ये नहीं होता है। तो अगर आप समझ जाएंगे तो हम लोग देखते हैं कि वेव ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स में कहीं भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम नहीं आता है। इसका मतलब है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट में भी होता है, इंटरफ्रेंस में होता है, सिर्फ एक जगह नहीं यूज होता है। इस क्वेश्चन के लिए वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें अप्लीकेबल नहीं होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो है ये अप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। मतलब है कि हाइगेंस का जो थीरी होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करता है। आया समझ में? तो ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनको अगर ध्यान से समझेंगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसलिए आप हमारी वीडियो में बने रहिए और दोस्तों में शेयर करिए और मुझे थोड़ा सपोर्ट करिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और आगे बढ़ते क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोशिश करेंगे आपकी रिक्वायर को पूरा करना।